सभी को नमस्कार। एमआरसी केमिस्ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो अपना टॉपिक चला था अणु संख्या गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान में संबंध। इसमें अणु संख्या गुण अपने चार बताए थे, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, नंबर दो था क्वथनांक में उन्नयन, और नंबर तीन था हिमांक में अवनमन, और नंबर चार था परासरण परासरण दाब। ठीक है, तो अपने दो कंप्लीट हो गए थे, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन एवं क्वथनांक में उन्नयन। आज का अपना जो नंबर तीसरा अणु संख्या गुण है वो चलेगा, और उसका नाम है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, ठीक। अवनमन का क्या अर्थ है? कमी। तो सबसे पहले तो अवनमन बात पहले देखते, हिमांक क्या होता है? तो किसी द्रव का वह ताप, किसी वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था और द्रव अवस्था का वाष्प दाब समान हो, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था एवं द्रव अवस्था का वाष्प दाब समान हो, वह उस द्रव का क्या कहलाता है? हिमांक। अब देखते हैं कि हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी कैसे आती है। तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घुला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, यानी विलयन है विलायक से कम ताप पर जमता है, यानी कहे तो विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है, जिसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। यानी किसी विलायक में अवाष्प विलेय को घोलने पर विलयन विलायक से कम ताप पर जमता है, विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है, जिसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। अवनमन यानी कमी, ठीक। यदि विलयन का हिमांक टी एफ वह विलायक का हिमांक टी नॉट एफ हो तो, विलयन का क्या मान लेंगे टी एफ, तो विलायक का क्या मान लिया टी नॉट एफ हो तो हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। अवनमन यानी कमी। तो अधिक किसका है? विलायक का। तो क्या हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ, और हिमांक में अवनमन किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टी एफ से। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा अपना टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ठीक। तो राउल्ट का नियम कहता है जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है, वाष्प दाब कमी हो जाती है, इन वाष्प दाब में कमी उसकी विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होती है, यानी डेल्टा पी समानुपाती एक्स बी। एक्स बी यानी विलेय की मोल भिन्न, एक्स बी बराबर विलेय की मोल भिन्न। जब वाष्प दाब में कमी इसके समान होता तो हिमांक में जो अवनमन होगा डेल्टा टी एफ वो भी किसके समानुपाती होगा? विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होगा, या डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एक्स बी। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एक्स बी, या के एफ क्या है? एक के एफ बराबर समानुपाती स्थिरांक है, क्या है? समानुपाती स्थिरांक है, जिसे हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसकी इकाई होती है केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स। इसको ध्यान रखना, ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। हिमांक अवनमन स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब अपन देखते हैं कि एक्स बी, एक्स बी यानी विलय की मोल भिन्न की थी, उसका भार बटा है अनुभाग, तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपोन एम बी अपोन डब्ल्यू बी अपोन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपोन एम ए, ठीक। किसको प्रदर्शित करता है? अपने विलय की मोल भिन्न को। अपन इसको लिख सकते हैं, आगे इसको देखिए,
तनु मिलनु के लिए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज वेरी वेरी लेस देन डब्ल्यू ए अपॉन एम बी, यानी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को इसकी तुलना में क्या मान सकते हैं, नगण्य, यानी न के बराबर। तो क्या लिख सकते हैं अपन, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, एक्स बी जगह वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, या डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, पहली और चौथी पद क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये फॉर्मूला अपने पास आया। यानी इस फॉर्मूले से यहां डब्ल्यू बी किसको प्रदर्शित करता है, विलय के भार को, एम ए किसको प्रदर्शित करता है, विलय के मोलर द्रव्यमान को, एम बी क्या विलय के अणु भार को, और डब्ल्यू ए किसको प्रदर्शित करता है, विलय के भार को, और ये समानुपाती स्थिरांक डेल्टा टी एफ किसको प्रदर्शित करता है, हिमांक में अवनमन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट अपना चलता है अणुसंख्या गुण और मोलर द्रव्यमान में संबंध। तो अणुसंख्या गुण और मोलर द्रव्यमान जो संबंध होता है उसमें चलता है कि हम जानते हैं कि जो हिमांक में जो अवनमन होता है वह मोललता के समानुपाती होता है। जिस प्रकार से कौथनांक यूनियन कहता है कि कौथनांक यूनियन मोललता के समानुपाती होता है, उसी प्रकार हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टी एफ समानुपाती एम मोललता के समानुपाती होता है, या डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम को समानुपाती स्थिरांक, जिसे हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं एम यानी मोललता बराबर, मोललता मैंने आपको लिखा चुका हूं ऑलरेडी पहले, ये होता है डब्ल्यू बी यानी विलय का भार गुणा में 1000 अपॉन विलय का अनुभार इंटू ए, डब्ल्यू ए यानी विलय का भार, इन एम की वैल्यू जब इस फॉर्मूले में रखी होती आ जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एमबी इंटू डब्ल्यू ए, यानी ये अपना संबंध निकला हिमांक में अवनमन और उसके मोलर द्रव्यमान में संबंध, अवासी विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। इस फॉर्मूले से भी अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकलेंगे, अगर आपको हिमांक का अवनमन निकाल डेल्टा टी एफ निकाल के एफ की वैल्यू देता है, डब्ल्यू बी विलय का भार देता है, उसका अनुभार निकालना है, डब्ल्यू विलय का भार अपने को दे देता है। यदि आपको विलय का अनुभार यानी एमबी इसमें निकलवाए तो एमबी को भार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एमबी बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 एंड 1000 अपॉन एमबी इंटू डब्ल्यू ए, इस वाले फॉर्मूले से अपने उसको विलय का अनुभार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो या तो आपको हिमांक में अवनमन निकले तो अपनों को ये निकाल देना, यदि हिमांक में अवनमन देकर अवासी विलय का अनुभार निकले तो अपने को ये वाला फॉर्मूला अपने को लगाना है। इन दोनों फॉर्मूले से अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालेंगे। ग्राफ की बात करें तो वही जैसे कौथनांक में होने तो हिमांक में होना, इधर ले लिया मैंने ताप और इधर ले लिया मैंने वाष्प दाब। ठीक, तो अपने परिभाषा में कहता है कि विलयन का कौथनांक विलायक से कम हो जाता है, यानी विलयन विलायक से कम ताप पर जमेगा, तो ये वाला ग्राफ तो अधिक ताप तो किसको प्रदर्शित करेगा, शुद्ध विलायक को यानी टी नोट एफ को, ये किसको प्रदर्शित करेगा टी एफ को, और ये दोनों का अंतर किसको प्रदर्शित करेगा डेल्टा टी एफ को, यानी हिमांक में अवनमन को किसको प्रदर्शित करेगा, हिमांक में अवनमन को, और ये इसका ग्राफ खींचे तो अपना ऐसा है। ठीक, ये किसको प्रदर्शित करेगा विलायक को, ये किसको प्रदर्शित करेगा विलयन को। इस प्रकार अपना जो नेक्स्ट अणुसंख्या गुणधर्म था हिमांक में अवनमन वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपना लास्ट अणुसंख्या गुणधर्म प्राशन एवं प्राशन था,
उसका हम डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।